टीडीएस का डायलॉग तो बहुत फेमस है ना, कि काबिल बनो कामयाबी झक मार के तुम्हारे बीच से आएगी। क्लियरिटी ये है बेटा, कोई साथ नहीं देता है, आप समझ लो ध्यान से, कोई साथ नहीं देता है, खुद को हमें खुद संभालना होता है, आप ये चीज हमेशा याद रखना। ये जो टाइम चल रहा है यहां पर, इतना डिफिकल्ट टाइम रहेगा आपके लिए, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, तो कोई आपका साथ नहीं देगा, आपने खुद को खुद संभालना पड़ेगा आपको। अगर सक्सेसफुल हो गए और जीत गए तो ये पूरी दुनिया आपके कदमों में होगी, आपको सब कोई मतलब कहेगा कि यार आपका सुपर एफर्ट था, लेकिन अगर हार गए तो आप समझ लो ध्यान से, उस ड्रीम के साथ वो एक सपना रहे। तो बेटा जो चीज आपके पास होती है आप उसको अप्रिशिएट नहीं करते, जो चीज आपको मिल जाती है उस चीज को आप अप्रिशिएट नहीं करते, राइट? यस। लेकिन जो चीज आपके पास नहीं होती उसकी बड़ी अहमियत होती है। किसी और के पास है ना कुछ तो चाहिए, वो चाहिए तो पता लगता है कि यार कितनी इंपॉर्टेंट चीज है। वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, इंसान वही जो अपनी तकदीर बदल। कल क्या होगा कभी मत सोचो, क्या पता कल वक्त खुद अपनी तस्वीर। सोचने से कहां मिलते हैं तमन्नाओं के शहर, सिर्फ सोचने से कहां मिलते हैं तमन्नाओं के शहर, चलना भी जरूरी है मंजिल को पाने। जीत के खातिर जुनून चाहिए, हो उबाल ऐसा खून चाहिए। जीत के खातिर जुनून चाहिए, हो उबाल ऐसा खून चाहिए। आसमां भी आएगा जमी पे, बस इरादों में जीत की गूंज चाहिए। बहुत सारे बच्चों को खुद को पता है कि उनके परिवार की स्थिति अभी क्या है, उनके परिवार की स्थिति से उनको एक ऊपर लेवल पर अगर जाना है तो उनके पास एक ही हथियार है बेटा, वो है एजुकेशन। है ना, मैं चीज बोल रहा हूँ और बहुत सारे बच्चे इस पॉइंट को फील भी कर रहे होंगे मन में कि हाँ बिल्कुल सर आप सही बोल रहे हैं। सभी को अपनी कंडीशंस पता होती है ना, तो अपने परिवार को अगर आप एक सही जगह पर ले जाना चाहते हैं, एक अच्छी जगह पहुंचाना चाहते हैं बेटा, तो यहाँ पर एजुकेशन सबसे इंपॉर्टेंट मीडियम है। आप अच्छे से पढ़ाई कीजिए, लाइफ में सक्सेस हो जाइए। एजुकेशन के अलावा दूसरी चीजें जो हैं वो आपकी लाइफ के अंदर, हाँ आप कुछ टाइम के लिए वो चीज कर सकते हैं, बट आपकी लाइफ में आप उन चीजों को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दे सकते बेटा। अभी आप स्टूडेंट है, एक विद्यार्थी के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है एजुकेशन। पढ़ाई कीजिए, मेहनत कीजिए, अपना करियर बनाइए और देश का नाम रोशन कीजिए, परिवार का नाम रोशन। All I would like to say is बेटा मेहनत करो, मेहनत करनी कभी बंद मत करो, अपने टारगेट पे फोकस रहो। देयर इज अ लॉट ऑफ डिस्ट्रैक्शन इन टुडेस टाइम, बट प्लीज यूज योर एनर्जी इन द राइट वे, ठीक है? लाइफ में अगर तीन लोग आपके साथ बहुत स्वीट है वो आपके लिए बहुत हार्मफुल है। तीन लोग अगर आप मतलब बहुत स्वीट है अगर आपके साथ, नंबर वन डॉक्टर, नंबर टू टीचर, नंबर थर्ड दोस्त। अगर हर गलत काम में आपको सपोर्ट कर रहे हैं और हर चीज में आपके साथ खड़े हुए और आपके साथ हमेशा स्वीट है, कभी आपको गलत चीज के लिए नहीं टोक रहे, तो दे आर हार्मफुल फॉर यू। एक बोल रहा है सर प्लीज देखने का टाइम दीजिए। किसको देखना है भाई, कहां देखा दिखाई चालू कर दी, अभी टाइम है।
पहले IITian बन जा, फिर लोग तुझे खुद देखने आएंगे। जब हम कुर्सी पे पैर रख के बोले बैठे हो और कोई आए तो बोले रुको दो मिनट अभी गेम चल रहा है पबजी वाला, उसको कंप्लीट करूं फिर बाहर आऊंगा, रुको बैठाओ, बोले बैठाओ उनको पानी वानी पिलाओ, ये वाला एटीट्यूड, या खुद ही पानी लेके पहुंच जा रहे हैं। हाँ अंकल किससे मिलने आए थे, बोले बेटा तुझे ही देखने आए थे। हाथ से ट्री छोड़ दी, कौन से वाला देखना चाहते हो सर, दूसरे वाला या पहले वाला, यू डिसाइड। सर हम तो पहले वाला करेंगे, बहुत बढ़िया, तो उसमें मेहनत लगती है। रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चल के समुंदर भी आएगा, थक कर ना बैठ ऐ मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा, मिलने का मजा भी आएगा। अनुशासन की तलवार से काट डाल आलस की जंजीर को, अनुशासन की तलवार से काट डाल आलस की जंजीर को, फिर वक्त तू खुद ऐसा लाएगा, मन चाहा बना पाएगा अपनी तकदीर, फिर वक्त तू खुद ऐसा लाएगा, मन चाहा बना पाएगा अपनी तकदीर।